एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा कि जो ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले लिया, डिपार्टमेंट ले लिया, बहुत ही अच्छा ये कदम है उनका। इससे एक बात हो जाएगी कि जो जो मेरा ये या आम लोगों का जो भी प्रोडक्ट हो सब्जी के बारे में, तो वो आम लोगों तक पहुंचे और इसकी क्वालिटी जो है वो आम लोगों तक पहुंचे, और ये शो हो जाएगा कि मेरे पास कौन कौन सी वैरायटी है। तो जो खासकर मैं एग्जॉटिक की बात बताऊंगा कि अभी 1-2 साल पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इसका, तो अभी इंशाल्लाह माशाल्लाह गौर ये डिपार्टमेंट की वसादत से इन्होंने मार्केट लिख भी दिया हमें। और ये जो अभी जो हमने स्टॉल्स लगाए हैं, ये जो स्टॉल्स लगाए इनका यही फायदा है कि जो हमारे पास जो है सब्जी है चाहे और कुछ हो, वो आम लोगों तक पहुंचे तो उसकी मतलब जो पहचान हो जाएगी। आज कश्मीर का जो फार्मर अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खासकर एग्जॉटिक वेजिटेबल को लेके जो मार्केट में भी आपने देखे कि 21 से ज़्यादा वैरायटीज हमारे पास एग्जॉटिक की सिर्फ हमारे एक फार्मर के पास हैं, जो आपने स्टॉल पे खुद देखी और डिविजनल कमिश्नर साहब ने भी आपके साथ पूरे प्रोग्राम में देखी। हमारी कोशिश ये है कि जितने भी हमारे, क्योंकि हमारा कश्मीर जो है ये टूरिज़्म के लिहाज से पहला जाना जाता था, अगर हम इसको एग्री टूरिज़्म के लिहाज से लाएँ तो हमारी कोशिश ये है कि हमारी एग्जॉटिक, हमारी ऑर्गेनिक जो हैं वो हर घर तक पहुँचें, हर उस शहरी तक पहुँचें जो कि कश्मीर की सैर करने यहाँ आता है। जितने भी हमारे यहाँ पे बिग हमारे होटल्स हैं, चाहे वो 5-स्टार होटल हैं, 3-स्टार हैं या दूसरे हैं, कि जिसके बीच में ऑर्गेनिक और एग्जॉटिक वेजिटेबल, चाहे वो सब्ज़ी के तौर पर, चाहे वो सलाद के तौर पर जिनका इस्तेमाल किया जाए, हमारे लोगों ने उनके साथ टाई अप किया है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा बढ़ावा कैसे दिया जाए कि मंडीज़ हमारे कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्टों के अंदर, 10 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हमने लोकल मंडीज क्रिएट की हैं, ताकि जो फार्मर अपना प्रोड्यूस जो अपने खेत में पैदा करता है इसी एग्जॉटिक का, वो ला के यहाँ बेच सके।